एक दिन वो जंगल में ऐसे ही घूम रही थी कि जब वो देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा सैनिकों के साथ उस जंगल पर हमला करने के लिए और उसे कब्जा करने के लिए यहाँ पर आ रहा था। मेलेफिसेंट अपने जंगल की परी थी और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है और राजा से यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन वो राजा इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला था। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि आगे बढ़ो और इस पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले लो। उसकी सेना आगे बढ़ती है। मेलेफिसेंट के जादू से जंगल में से भी अजीबोगरीब दिखने वाले बड़े बड़े क्रिएचर्स निकलते हैं और उन सैनिकों का मुकाबला करते हैं। राजा की सेना को खूब नुकसान पहुंचता है। उसके सारे के सारे सैनिक उन क्रिएचर से डर कर भागने लगते हैं, क्योंकि इन सैनिकों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन जादुई क्रिएचर्स का मुकाबला कर सके। इसलिए हार मानकर राजा को अपनी सेना के साथ वापस जाना पड़ता है। कुछ साल बीतते हैं और हम देखते हैं कि राजा अब काफी बूढ़ा हो गया है और काफी कमजोर भी हो चुका है। राजा अब कहता है कि ये खबर फैला दो कि जिस किसी ने भी मेलेफिसेंट को मार दिया, मैं उसे अपना साम्राज्य सौंप दूंगा और अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। जब उनमें से एक लड़का कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये वही लड़का था जो मेलेफिसेंट के साथ बचपन में खेला करता था, जिसका नाम था स्टीफन। अब ये बड़ा हो गया है। अब हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट से मिलने के लिए वापस कई सालों बाद जंगल में जाता है और मेलेफिसेंट से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अलर्ट करने आया हूँ, क्योंकि वो राजा तुम्हें किसी भी हालत में मारना चाहता है। मेलेफिसेंट उससे बोलती है कि तुम इतने साल कहाँ थे, तुम्हें जरा भी हमारी दोस्ती का ख्याल नहीं आया। स्टीफन मेलेफिसेंट से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कई साल बाद मिल रहा हूँ। मेलेफिसेंट उसे माफ कर देती है। वो दोनों साथ बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। मेलेफिसेंट यहाँ नहीं जानती थी कि स्टीफन बहुत ही स्वार्थी इंसान है। वो स्टीफन को बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन स्टीफन मेलेफिसेंट को कुछ ऐसी नशीली दवाई खिला देता है जिसे खाकर वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब मेलेफिसेंट होश में आती है तो उसके शरीर में उसके पर नहीं थे। उसे काफी दर्द हो रहा था और वो काफी दुखी भी थी, क्योंकि उसके पास उसके प्यारे पंख नहीं थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट के पंख को लेकर वापस राजमहल में जाता है और राजा से कहता है कि मैंने मेलेफिसेंट को मार दिया। राजा तो बहुत खुश होता है कि आखिरकार मेलेफिसेंट मर गई और वादे के अनुसार वो स्टीफन को किंगडम का राजा बना देता है। वहीं मेलेफिसेंट बेचारी बहुत ही उदास रहती है। उसकी पावर्स भी अब काफी कम हो चुकी थी। वो अब अपने पंख के बिना उड़ भी नहीं सकती थी। एक दिन वो देखती है कि कुछ शिकारी एक कौवे को पकड़ रहे थे। मेलेफिसेंट उस जाल में फंसे कौवे को इंसान में बदल देती है। ये देखकर शिकारी एकदम डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वहीं वो कौवा मेलेफिसेंट के पास आता है और मेलेफिसेंट से बोलता है कि आपने मेरी जान बचाई, अब से आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, क्योंकि वो कौवा इंसान बनने के बाद काफी खुश हो जाता है। मेलेफिसेंट उसका नाम डियावल रख देती है। डियावल मेलेफिसेंट के लिए जासूसी करता था, जिसके जरिए मेलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने राजा बनने के लालच में आकर उसके पर काट दिए थे। अब उसे इंसानों से नफरत हो गई थी, क्योंकि उसने स्टीफन के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अब उसे ऐसा लगता है कि सारे इंसान मतलब ही होते हैं और वो एक बुरी परी बन जाती है। वहीं स्टीफन की राजा की बेटी के साथ शादी हो गई थी, इसलिए उसकी एक छोटी सी बेटी पैदा होती है, जिसकी वजह से पूरे किंगडम में जश्न का माहौल होता है। दूर दूर से लोग आए हुए थे। इस मौके का फायदा उठाकर मेलेफिसेंट भी उस किंगडम में वापस चली जाती है और उस बच्चे के पास जाकर उस बच्ची से बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम जैसे ही 16 साल की हो जाओगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी, जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। जब वहाँ पर स्टीफन आ जाता है और मेलेफिसेंट से बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम मेरा बदला मेरी बच्ची से क्यों ले रही हो, तब मेलेफिसेंट बोलती है कि मैं भी एक लड़की थी और तुमने मेरे साथ क्या किया। मेलेफिसेंट दिल की काफी अच्छी थी। वो स्टीफन के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद ये कहती है कि इस बच्ची के 16 साल होने से पहले पहले अगर इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाता है तब इसकी जान बच सकती है। स्टीफन मेलेफिसेंट के श्राप से काफी परेशान हो जाता है और वो तीन छोटी छोटी परियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ पर मत लाना, वरना मेलेफिसेंट का श्राप सच हो जाएगा। इसके बाद अब वो राजा मेलेफिसेंट को मारने के लिए जंगल की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि मेलेफिसेंट ने जंगल की रक्षा करने के लिए जंगल के चारों तरफ अपने जादू से बाउंड्री बना रखी थी, जिसके कारण अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं जा सकता था। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि उस छोटी सी प्रिंसेस का नाम प्रिंसेस अरोरा रख दिया गया था। उसे वो तीन परियां लेकर बहुत दूर चली जाती हैं, लेकिन मेलेफिसेंट को पता था कि प्रिंसेस अरोरा कहां पर रहती है। मेलेफिसेंट उस बच्ची को डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची मेलेफिसेंट को देखकर मुस्कुराने लगती है और मेलेफिसेंट का दिल भी उस छोटी सी बच्ची की स्माइल देखकर पिघल जाता है। वहीं वो तीनों परियां प्रिंसेस अरोरा का ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रही थी। उन तीनों की लापरवाही की वजह से प्रिंसेस अरोरा की जान हमेशा खतरे में पड़ जाती थी, लेकिन मेलेफिसेंट उसे हर बार बचा लेती थी। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगी और अब वो 15 साल की हो चुकी थी और श्राप पूरा होने में सिर्फ एक साल बचा था। प्रिंसेस अरोरा जिस जंगल में रहती थी उसके चारों तरफ बाउंड्री थी और वो कभी भी उस बाउंड्री से बाहर नहीं गई थी। उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी। एक दिन उस बाउंड्री के पास प्रिंसेस अरोरा को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और उस जगह पर प्रिंसेस अरोरा की मुलाकात मेलेफिसेंट से होती है। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट को देखकर बोलते कि आप तो वही हो जो बचपन से मेरा ख्याल रखती आ रही हो, लेकिन कभी भी आप मेरे सामने नहीं आई। वो बोलते कि मैं आपको पहचानती हूँ और आपके साथ जो वो कौवा रहता है वो भी बहुत ही प्यारा है। मेलेफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। इसके बाद मेलेफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा साथ में खूब खेला करते थे। वो दोनों बिल्कुल माँ बेटे की तरह रहते थे। मेलेफिसेंट अब प्रिंसेस अरोरा को बहुत ही प्यार करने लगी थी और वो अब ये नहीं चाहती थी कि प्रिंसेस अरोरा का श्राप पूरा हो और वो मर जाए, इसलिए वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उस श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है। लेकिन एक बार दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए मेलेफिसेंट अपना श्राप वापस नहीं ले पाती। प्रिंसेस अरोरा 16 साल की होने ही वाली थी और उसका श्राप भी जल्दी पूरा होने वाला था, इसलिए मेलेफिसेंट काफी परेशान रहने लगी। वो दुआ करती है कि जल्दी प्रिंसेस अरोरा को उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसका श्राप खत्म हो जाए। एक दिन वो दोनों जंगल में बातें कर रहे थे और प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ है, सभी परियों के पर होते हैं लेकिन आपके क्यों नहीं है। मेलेफिसेंट उसे बताती है कि उसके पास भी कभी पर थे, लेकिन किसी इंसान ने उसको धोखा दिया और उसके पर छीन लिए। ये बताते हुए वो काफी उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी प्रिंसेस अरोरा बोलती है कि आप उदास मत होइए, जल्दी मेरा 16th बर्थडे आने वाला है और मैं उन तीनों परियों से परमिशन लेकर आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन मेलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जब तक उसको उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता।
था। अब प्रिंसेस अरोरा वापस अपने घर जा रही होती है, तब उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो उसी की उम्र का था। वो दोनों आपस में काफी बातें करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगे थे। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा घर चली जाती है और उन तीनों परियों से बोलती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ से दूर मैलेफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। उन तीनों परियों को ऐसा लगता है कि शायद इसे पता चल गया है कि इसके पेरेंट्स चिंता है, इसलिए ये वापस किंगडम जाना चाहती है। वो तीनों प्रिंसेस अरोरा को पूरी कहानी बता देती है कि किस तरह मैलेफिसेंट के श्राप की वजह से उसे अपने परिवार से कई सालों तक दूर रहना पड़ा। प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, उदास होकर मैलेफिसेंट के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या ये सच है। मैलेफिसेंट उसे बताती है कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें श्राप दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने ये सब तुम्हारे पिता की वजह से किया था लेकिन अब मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारा श्राप पूरा हो और तुम मर जाओ, मैं भी तुम्हें बचाना चाहती हूँ। प्रिंसेस अरोरा रोते हुए वहाँ से अपने पिता के पास चली जाती है और अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। वो बोलती है कि मैंने आप सबको बहुत मिस किया। लेकिन राजा स्टीफन उन तीनों परियों पर बहुत ही गुस्सा था क्योंकि प्रिंसेस अरोरा के 16वें बर्थडे में अभी भी एक दिन बाकी था, इसलिए वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो अपने सिपाहियों से बोलता है कि इसे किसी कमरे में बंद कर दो जिसमें कोई भी नुकीली चीज ना हो, लेकिन वो राजा कुछ भी कर ले श्राप रुक नहीं सकता था। जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16वां बर्थडे आता है, वो अपने आप ही एक ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर खूब सारी नुकीली चीजें थी। श्राप की वजह से वो उस नुकीली चीज को अपनी उंगली पर चुभा लेती है और बेहोश हो जाती है। राजा बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी अब गहरी नींद में जा चुकी थी और वो कभी नहीं उठने वाली थी। मैलेफिसेंट भी काफी उदास हो जाती है, इसलिए वो उस लड़के के पास जाती है जिससे प्रिंसेस अरोरा की मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैलेफिसेंट को ऐसा लगता है कि शायद ये लड़का प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार हो। दूसरी तरफ वो तीनों परियां राजा से बोलती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के माथे पर चूमिए, आप उसके पिता हैं, हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तब राजा बोलता है कि मैं किसी का भी सच्चा प्यार नहीं हो सकता, मैंने ही मैलेफिसेंट को धोखा दिया, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है, सब मेरी गलती है। जब भी मैलेफिसेंट उस लड़के को लेकर यहाँ पर आ जाती है, उस लड़के के किस करने पर भी प्रिंसेस अरोरा को होश नहीं आता। मैलेफिसेंट को पता चल जाता है कि ये लड़का प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार नहीं है। मैलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को देखकर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, तुम्हारी स्माइल मुझे हमेशा याद रहेगी। ये कहकर मैलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा के माथे पर किस करती है और वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से प्रिंसेस अरोरा की आवाज आती है क्योंकि प्रिंसेस अरोरा का श्राप अब खत्म हो चुका था, क्योंकि मैलेफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा एक दूसरे को दिल से प्यार करते थे। प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट से बोलती है कि अब वो भी उनके साथ जंगल में ही रहेगी। इसके बाद मैलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी स्टीफन के लोग उन पर लोहे का जाल डाल देते हैं क्योंकि स्टीफन को ये मालूम था कि लोहा परियों को जला देता है। अब बेचारी मैलेफिसेंट तो कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो अपने कौवे को एक खूंखार ड्रैगन में बदल देती है जो कि मुंह से आग निकाल निकाल कर उनके सैनिकों को मारकर वहां से भगा देता है और मैलेफिसेंट को उस जाल से आजाद कर देता है। जब भी वहां पर स्टीफन लोहे का कवच पहनकर आता है ताकि मैलेफिसेंट उसे ना मार सके और उसके सिपाही मैलेफिसेंट को एक बार फिर से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा जहां पर है, मैलेफिसेंट के पंख रखे हुए थे और उनमें अभी भी जान थी। प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट के पंखों को आजाद कर देती है और वो पंख अपने आप जाकर मैलेफिसेंट के शरीर में लग जाते हैं। मैलेफिसेंट की सारी ताकत वापस आ जाती है और वो वापस से उड़ने लगती है। वो उड़ते उड़ते अपने साथ स्टीफन को भी उड़ाकर वहां से ले जाती है लेकिन उसे नीचे नहीं गिराती, लेकिन स्टीफन मैलेफिसेंट को मारने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन मैलेफिसेंट के पंख को पकड़कर रखता है जिसकी वजह से मैलेफिसेंट उड़ नहीं पा रही थी। किसी तरह मैलेफिसेंट अपने पंखों को ऐन मौके पर खोल देती है जिसकी वजह से स्टीफन की पकड़ छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और उसका काम तमाम हो जाता है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट उस जंगल की बाउंड्री को हटा देती है और एक बार फिर से जंगल में दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, वहाँ की हरियाली वापस आ जाती है। मैलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को उस जंगल की नई रानी बना देती है और अब ये जंगल उस किंगडम के साथ मिल जाता है और अब यहाँ के सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ पर ये मूवी